जो प्रदर्शन है वो समस्त किसानों का है, समस्त डेयर हाउस के मालिकों का है। यह जो प्रदर्शन है वो हमारी लाडली दीदियों का है, लाडली बहनाओं का है। जो यह जो प्रदर्शन है हम सभी चोरों का है, क्योंकि प्रशासन ने हमको चोर साबित किया, इसीलिए हम चोर हैं। हमको जब चोर साबित कर दिया है, हम किसानों को चोर बोल दिया है, जबलपुर के सभी किसानों को चोर बोल दिया है, तो प्रशासन से एक छोटी सी आशा है, उनसे पूछना है भाई साहब मैं चोर क्यों। सम्मान्य अधिकारियों ने एक सूची बनाई, उसमें वेयर हाउस प्रस्तावित किए। जबलपुर शहर में बारिश की आशंका थी, किसानों ने उनके प्रांगण खाली रहते माल डंप कर दिया। अब उनका कहना है जो माल डंप कराया गया है, ये जो माल डंप कराया गया है ये किसानों का नहीं है, व्यापारियों का है। तो हमारा आंदोलन सिर्फ एक छोटा सा ये है कि हम अधिकारियों तक अपनी बात रखना चाहते हैं। जिस हजार से हमने वेयर हाउस ब्लैक लिस्टेड कर दिए, किसानों का माल तोलने से मना कर दिया, लगभग 5 लाख क्विंटल माल फैला हुआ है, 3 दिन बाद बारिश से उसके सड़ने की आशंका है। तो मैं उनसे पूछा था, हम अन्नदाताओं से आप जो अनाज पैदा करते हैं आप उसको खा के बड़े हुए हो, और आप हमको अगर चोर साबित कर रहे हो तो आपसे निवेदन है आप हमें बताएं हम चोर क्यों हैं। हमारा सभी किसान भाइयों का और वेयर हाउस मालिकों का ये प्रदर्शन है। किसान भाइयों ने फसल उगाई, उनको ये आशा थी कि फला फला वेयर हाउस में सोसाइटी लगेगी, नारी समूह लगेंगे या कोई भी प्रकार की विक्रय समिति लगेगी। लेकिन प्रशासन ने ऐन वक्त में क्या किया, 45 समितियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया और बोला ये, और ये गोदाम भी ब्लैक लिस्टेड है, ये भी नहीं होंगे, और बोले गोदाम मालिक और किसान सभी चोर हैं, ये मिलकर धंधा करते हैं। इसी बात का विरोध करने हम प्रशासन के समक्ष जा रहे हैं। हमारा पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा। और आपको एक बात याद दिला दूं, यदि शीघ्र अति शीघ्र इन्होंने ब्लैक लिस्टेड वेयर हाउसों की मांग नहीं मानी और ब्लैक लिस्ट की सूची से हटाकर वेयर हाउस मालिकों को अलग नहीं किया और किसानों की फसल को अंदर नहीं किया वेयर हाउस के, तो हम और उग्र प्रदर्शन करेंगे। और अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, देखते हैं प्रशासन हमारा क्या करता है।